सबसे पहले यहाँ पे इस्लामिक की जो आकृति है गुम्बद वो देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे कुछ आपको खंडर जैसे अवशेष भी दिखाई देंगे और यह अवशेष बताया जाता है कि महल के हैं। तो एक दरवाजा ये है जो कि बंद कर रखा, और ये देखिए जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये काफी खूबसूरत दरवाजा है। बलबन ने एक महल बनाया था, एक घर बनाया था जिसको दारुल अमन कहा जाता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज इस हिस्टोरिकल व्लॉग में आप लोगों को एक और नई जगह पर लेकर के आया हूँ जिसे कहा जाता है मेहरौली का आर्कियोलॉजिकल पार्क। और दोस्तों इस पार्क के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मकबरे देखने के लिए मिलेंगे जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में दिखाए हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो मकबरा दिखाने वाला हूँ वो हाल ही में कुछ महीने पहले ही आर्कियोलॉजिकल टीम के द्वारा ओपन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल थे। तो उसी मकबरे को आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में और उनका मकबरा दिखाऊंगा, और जो कि बताया जाता है गुलाम वंश के 9वें सुल्तान रहे हैं, और उनकी जो स्टोरी है उसके बारे में बताएंगे सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको इसका मेन गेट देखने के लिए मिलेगा जहाँ से आपको एंट्री करनी है, और आपको मेरे राइट साइड में देखने के लिए मिलेगी जमाली गमाली की मस्जिद। दोस्तों जमाली गमाली मस्जिद के सामने ही इसका दरवाजा है एंट्री करने के लिए। इसका दरवाजा पीछे से भी है लेकिन वहां से बंद कर दिया गया है, और अभी फिलहाल आने के लिए एंट्री गेट यही है। तो आपको जमाली गमाली मस्जिद के सामने ही एंट्रेंस गेट मिल जाएगा इस मकबरे में आने के लिए। और अब मैं आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है कि बलबन के मकबरे के साथ साथ में यहाँ पे कुछ आपको खंडर जैसे अवशेष भी दिखाई देंगे, और यह अवशेष बताया जाता है कि महल के हैं। तो ये बलबन का महल भी बताया जाता है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा जितना पॉसिबल हो सकेगा दोस्तों, कि ये चीज़ें क्या हैं, उनकी बनावट उससे अंदाज़ा लगा करके आप लोगों को बताएंगे, और बलबन की हिस्ट्री भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों आगे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जैसा कि दिखा रहा हूँ आप देखोगे आप लोग यहाँ पे डब्बे डब्बे से बने हुए हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि घर हुआ करते होंगे उस समय पर। और भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, एक यहाँ पे भी एक कमरा देखने के लिए मिल रहा है, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खंडर हैं जहाँ पर सिर्फ उनकी नीम बची हुई है। तो जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे भी दो कमरे देखने के लिए मिलेंगे। तो यही सब चीज़ें आज के समय में यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिलती है, हमें पूरा ही पूरा खंडर हो रखा है ये आज के समय में। समय के बीतते दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामने देखेंगे आप कमरे की तरह दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको खंडर देखने के लिए मिलेगा ये महल आज के समय में, बहुत दूर दूर तक पूरा खंडर ही खंडर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे रूम्स वगैरह, जीने वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके दो दरवाजे अंदर आने के लिए, तो एक दरवाज़ा ये है जो कि बंद कर रखा, और ये देखिए जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा है। तो दोस्तों ये एक तरीके से एंट्रेंस गेट है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रखा है दोस्तों, ये देखिए। और हाल ही में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर वर्क किया है, तो काफ़ी जो मसाले वगैरह देख रहे हैं आप, ये नए लगाए गए, नया चूना किया गया इस पर, मतलब नया प्लास्टर किया गया, दोबारा से रिनोवेट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक तरीके से ये जो है ना ये वेंटिलेशन का काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं जो एंट्री कर रहा हूँ ये दूसरे दरवाजे की तरफ से मैं आ रहा हूँ, और ये जो देख रहे हैं आप ये एक तरीके से मेन गेट माना जाता है महल के अंदर एंट्री करने का, जहाँ पर देखे जाए कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा काम हो रखा है, और इसके सामने हमें बलबन का मकबरा देखने के लिए मिलता है। तो अभी जा कर के वो दिखाएंगे, उससे पहले आप लोगों को तो दोस्तों बात करते हैं अब बलबन के इतिहास के बारे में, एक गुलामी से लेकर के राजा का उनका सफ़र कैसा रहा। तो दोस्तों बताया जाता है कि ये एक गुलाम थे, और ये गुलाम कहाँ के रहने वाले थे, रहने वाले थे दोस्तों तुर्क के रहने वाले थे। और बताया जाता है कि जब भारत पर जो हुकूमत कर रहे थे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो उस समय उन्हें गुलाम की ज़रूरत पड़ी, तो वह तुर्क में गए थे गुलाम खरीदने, जहाँ पर वह 100 गुलाम खरीद करके लाए थे। उन्होंने पहले 99 गुलाम ही खरीदे थे, तो जब बलबन छोटे थे उस समय तो बलबन ने कहा था कि इन गुलामों को आप लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको अपने काम के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तो बलबन ने फिर उनसे कहा कि मुझे अल्लाह के लिए लेकर के चलिए। तो वह उस समय 100 गुलामों को लेकर के भारत आए थे, सुल्तान इल्तुतमिश लेकर के आए थे, और हर किसी गुलाम का उन्होंने कार्य बांट दिया था, सब अपना अपना अलग अलग कार्य करते थे। बलबन ने अपनी बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ में मेहनत करते करते, बताया जाता है कि इल्तुतमिश की 40 लोगों की जो टीम थी
उस टीम में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। इल्तुतमिश उस टीम में उन्हीं लोगों को रखता था जिनके कार्य से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और जो लोग उसके लिए एक तरीके से वफादारी किया करते थे, तो उस टीम में बलबन को शामिल कर लिया गया था। दोस्तों कुछ समय बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती तो जो उनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, वह भारत की सरजमीन पर हुकूमत उनकी चलती है उसके बाद में। और जब कुछ समय बाद पता लगाया जाता है कि 40 तुर्क लोगों की जो टीम थी उन्हीं लोगों में ने साजिश रची थी रज़िया सुल्तान की हत्या करने की। तो दोस्तों बताया जाता है कि रज़िया सुल्तान की दो भाइयों की हुकूमत के बाद जो तीसरा भाई सल्तनत कर रहा था नसरुद्दीन शाह, उनसे बलबन ने अपनी बेटी का निकाह करवाया, तो उनकी हुकूमत के कुछ समय बाद ही उन दोनों मियाँ बीवी का भी कत्ल करवा दिया गया था। और उसके बाद बलबन ने भारत की सरजमीन पर अपनी सल्तनत चालू कर दी थी, हुकूमत चालू कर दी थी। और सबसे पहले बलबन ने दोस्तों एक काम किया था कि जो 40 लोगों की जो तुर्क लोगों की जो टीम थी उस संगठन को उन्होंने तोड़ा, अच्छी तरीके से तोड़ दिया था, सभी लोगों को अलग अलग कर दिया था, क्योंकि वह जान गए थे कि ये जो 40 लोग हैं इनकी जो एक यूनियन है वो सब पर भारी पड़ रही है इस समय और ये सब लोगों का कत्ल करवा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उनको तोड़ा। तो जब दोस्त गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत चल रही थी भारत की सरजमीन पर, तो बताया जाता है कि भारत की महाद्वीपों पर मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण बढ़ गया था। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहम्मद, तो जो बड़े बेटे थे उनके और मोहम्मद शाह के दोस्त थे अमीर खुसरो, उनके खासम खास दोस्त थे, तो वह उनके साथ गए। तो बताया जाता है कि जब उन्होंने मंगोलों से लड़ाई करी थी, युद्ध किया था, तो वह युद्ध तो जीत गए थे लेकिन जो मोहम्मद शाह थे शहीद हो गए थे उस युद्ध के दौरान। और बताया जाता है कि जो अमीर खुसरो हैं उनको मंगोलों ने कैद कर लिया था, किसी तरह से वह उनकी गिरफ्त से निकले और कुछ पैसे दे करके, कुछ मुद्राएँ दे करके उन्होंने मोहम्मद शाह की, अमीर खुसरो ने मोहम्मद शाह की सबको लेकर के वो आए, शरीर को लेकर के यहाँ पर आए। तो जब बताया जाता है कि वो यहाँ पर आए थे तो जो बलबन गयासुद्दीन बलबन थे वह सभा में बैठे हुए थे, तो अमीर खुसरो ने जब आकर के उन्हें बताया कि उनके बेटे मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई है, हालांकि वह युद्ध तो जीत गए लेकिन उनकी उनका इंतकाल हो गया है। तो उस समय उन्होंने थोड़ा सा सब्र किया और उसके बाद में जब वह सभा से हट, और बताया जाता है कि वह अपने बड़े बेटे के इंतकाल के बाद में बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बताया जाता है कि डिप्रेशन कहा जाता है उसमें आ गए थे, क्योंकि उनका उनकी दिली ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वह अपने बड़े बेटे को अपने बाद गद्दी पर बैठाए। और बताया जाता है कि जो गयासुद्दीन बलबन थे वह न्याय पसंद भी थे और क्रोधित भी थे, तो उन्होंने उनको क्रोध तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वह कर क्या सकते थे, क्योंकि उनके जो दोनों बेटे थे वो दोनों बेटे ही युद्ध में गए हुए थे। तो जो छोटा बेटा था उन्होंने सोचा कि चलो बड़ा बेटा ना रहा, अब छोटे बेटे को कहा जाए कि बेटा आओ गद्दी संभालो, तो उनके जो छोटा बेटा था ना उन्होंने उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं बैठूंगा, और वो इसे सोच रहा था कि भाई के जान को बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा अगर वो गद्दी पर बैठता है। तो वह बंगाल, तो वह जहाँ पर दूसरी जगह गया था तो वह वहाँ से लौट कर ही नहीं आया था। और फिर उनके बड़े बेटे का जो बेटा था उसको गद्दी पर बैठाया, और बताया जाता है कि अपने बड़े बेटे मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में ही कुछ सालों में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी बलबन की। और दोस्तों बलबन के लगभग 50 साल बाद 1336 में लिखा गया कि बलबन ने एक महल बनाया था, एक घर बनाया था जिसको दारुल अमन कहा जाता है और जहाँ पर इंसाफ की बातें हुआ करती थी। तो यही वो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये उसका मेन दरवाज़ा है उस महल का और उसके अंदर चलते हैं अभी। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ आकृति, कुछ डिज़ाइनें दिखाने की कोशिश करूँ, देखेंगे आप कि इसको लाल बालू पत्थर से बनाया गया, जंगली पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया इसमें, और ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए टाइल्स लगाई गई हैं जो देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पत्थरों की टाइल्स हुआ करते थे उस समय। और अभी अंदर चल रहे हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको चीज़ें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बताया जाता है कि इंडो इस्लामिक, सबसे पहले यहाँ पे इस्लामिक की जो आकृति है गुंबद वो देखने के लिए मिली थी इसके अंदर, और आज के समय में वो यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर पूरे पे गुंबद हुआ करती थी उस टाइम पे, और आज के समय पे तो ये खंडर है पूरा। आप देखेंगे सारी नक्काशी इसकी जो भी है इनमें भी कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ये कुछ नक्काशी थोड़ी सी जो बची हुई है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इस मकबरे में मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, गेट किस तरह का हुआ करता होगा उस समय पे, तो उसके कुछ अवशेष देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे आपको। गेट की डिज़ाइनिंग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा दरवाज़ा हुआ करता था उस समय पे, जो कि आज वक्त के चलते नहीं है। तो दोस्तों बताया जाता है कि जो नसरुद्दीन थे वह बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय शासक थे, और बताया जाता है कि वह अपने उस समय में वह कुरान की जो आयतें होती थी उसकी नकल किया करते थे, और
इसी के चलते उन्होंने अपनी जो सल्तनत की जो बागडोर है, जो राजतंत्र की जो बागडोर है, वह उन्होंने बलबन के हाथों में सौंप दी थी। और बताया जाता है कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन से की थी। और जब बताया जाता है कि मंगोलों का जो आक्रमण पंजाब में बढ़ रहा था, तो दोस्तों बलबन ने मंगोलों के कमांडर हलाकू खां से समझौता किया और पंजाब में उन्होंने अमन कायम किया। तो दोस्तों ये था जो कि खंडर की हालत में आज के समय में है। बलबन का मकबरा तो यहाँ पे शायद नहीं है, उसके बड़े बेटे की कब्र देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ उस मकबरे के पास में। और जैसा कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे कि कुछ लोगों ने बताया होगा कि ये बलबन का मकबरा है, और कुछ लोगों ने ये भी बताया होगा कि उनके बड़े बेटे का मकबरा है। तो जो एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि ये बलबन के जो बड़े बेटे थे मोहम्मद, उनका मकबरा है। और इस मकबरे की जो, इस कब्र की जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ना रिनोवेट हुई है, और कुछ समय पहले इसका हिस्सा बहुत सारा ढह गया था। और आइए मैं दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, जिसमें देखेंगे आप नीचे की तरफ आपको सुंदर आकृति देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो देखेंगे आप, और यहाँ देखेंगे आप अरेबिक में लिखी है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं आप लोग, अब अरेबिक की डिज़ाइन है ये पूरी। और ये पूरी जो कब्र है मोहम्मद की, उनके बड़े बेटे बलबन की, ये पूरी ASI के द्वारा रिनोवेट करवाई गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रिनोवेट हुई हैं, जो कि अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। और पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जंगल हुआ करता था। और दोस्तों मैंने YouTube पे एक वीडियोस देखी थी, काफ़ी सारी वीडियो में बताया गया था कि यहाँ पर इस कब्र पे आकर के एक बाबा इत्र छिड़का करते थे, और रात के समय में यहाँ से इत्र की महक आती है। और बताया जाता है कि रात में यहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में कोई एक व्यक्ति आकर के दिखता है, जो कि यहाँ पर नमाज पढ़ा करता है। और दोस्तों इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो मुझे नहीं पता, बाकी जो मैंने सुना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हो सकता है ये बात झूठ हो, और हो सकता है ये बात सच भी हो। तो जो इतिहास के द्वारा, जो लोगों के द्वारा बताया गया, वही बात मैंने आप लोगों को बताई है। और ये थी दोस्तों कब्र जो कि बलबन के बड़े बेटे की है। तो बताया जाता है बलबन सुल्तान थे, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ही उत्तम मानते थे। उन्होंने एक नियम लागू कर रखा था, सजदा पैबोसी, जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे वह उनके कदमों को बोसा दिया करते थे, यानी बोसा देना होता है चूमना, वह उनके कदमों को चूमा करते थे और सजदा किया करते थे। तो ये नियम उन्होंने लागू कर रखा था, और इसी कारण से उलमाए दीन जो होते हैं वो उससे खिलाफ थे, क्योंकि ये चीज़ इस्लाम में अपने आप को सजदा करवाना, मतलब कि खुदा अपने आप को ही कहना, ये गलत है। तो दोस्तों ये थी वीडियो बलबन के मकबरे के बारे में, जो कि आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर है। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बलबन से जुड़ा हुआ इतिहास बताने की कोशिश करी है। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई हिस्टोरिकल ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ।